हेलो जी, कल्पना मेरी जा रही है पीछे। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं जी आप सब लोग? आज मेरे से आप सीखेंगे करेले बनाना, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। करेले खाना बहुत बहुत जरूरी है अपनी सेहत के लिए। कड़वे होते हैं, उसको ये नहीं सोचना कि कड़वे हैं, वो दवाई है आपकी। भगवान ने हमको कड़वी चीजें दी हैं इसलिए कि हमको मेडिसिन नहीं खानी पड़े। जैसे नीम का पानी भी पीना चाहिए, करेले की सब्जी भी खानी चाहिए, करेले का पानी भी पीना चाहिए। ये कड़वा जरूर होता है लेकिन शरीर को ठंडा करता है, आपके हजारों तरह की बीमारियां दूर करता है। आज झटपट हम सीखेंगे करेले की रेसिपी, कद्दूकस करके कैसे बनती है। चलो जी, पहले सीखो करेले को कैसे छीलना है, कैसे कद्दूकस करना है। हेलो जी, हेलो, कैसे हो जी आप सब लोग? मेरे हाथ में क्या दिख रहा है जी? करेला। आज मैं आपको खिलाने वाली हूँ करेले की सब्जी, एक नए स्टाइल की। पहले मेरे बुद्धा जी को नमस्कार करो, हेलो बोलो बुद्धा जी को। बुद्धा जी शांति देते हैं। देखो मेरे कितने प्यारे बुद्धा जी मैंने रखे हैं, इसमें से वाटर आता है और ये बॉल घूमती रहती है जी। ऐसे जो भी होते हैं वाटर वाले, ये घर पे जरूर रखने अपने नॉर्थ की वॉल पे। इसका एक दिन मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी। आज मैंने अपने करेले कड़वे की ब्यूटी बढ़ाने के लिए साथ में रख लिया जी। चलो जी सीखते हैं। ऐसा कोई भी आप घसने वाला ले लीजिए, मोटे साइड का, बारीक साइड का, जैसा पसंद है। मैं तो बारीक साइड से करूंगी, थोड़ा मोटे से करूंगी। इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले करेले को धो लेना अच्छे से और ये आगे पीछे से इसकी काट देनी है डंडी, ठीक है? हो सके तो छोटे करेले लेने, एकदम उसका अच्छा बनता है जी। अभी इसको हमने क्या करना है, इसको पूरा क्रश करना है जी। ऐसे जो अपना करेला ना, उसको इसी को खा के फायदा जी, छिलके को ऐसे इसको घस के इसका पूरा ऐसा चूरा निकाल लेना जी और अंदर के बीज छोड़ देना। बोलते हैं करेला खाने से सारी बीमारियां दूर होती हैं। जो लोग भी करेला नहीं खाते हैं ध्यान से सुन ले, करेला जरूर जरूर खाना जी। ये नीम और करेले ऐसी चीजें हमारी मेडिसिन है। भगवान ने हमको सब्जियों के रूप में मेडिसिन दी है लेकिन हम उनको भूल चुके हैं। मैं तो कई तरह के करेले आपको बता चुकी हूँ लेकिन जब खाती हूँ मन करता है आपको बता दूँ, लेकिन कोई नए तरीके से बताना होता है। ये मेरी बेंगलोर वाली सिस्टर है ना, वो बनाती है ऐसे। उसने मुझे कई बार बोला दीदी करेले को क्रश करके बनाओ। ये वीडियो की रेसिपी भी मेरी सिस्टर की है जी, बेंगलोर वाली की। आज बनाने लगी आपके लिए करेले को कद्दूकस करके, जिसको बोलते हैं कद्दूकस करना। देखो जी ऐसे पूरे करेले को कद्दूकस करना है। मैं इसको खड़ी होके करती हूँ जी, बैठ के होते नहीं है जी। देखो जी ऐसे पूरा जोर लगाना है, हाथों की एक्सरसाइज भी होगी जी। देखो बैठ के प्रेशर नहीं लगता, खड़े होके करना है। जो लोग घर पे बड़े लोग हैं उनके लिए भी ये डिश बहुत अच्छी लगेगी करेले की। वैसे मैं बताती ना कद्दूकस करके पानी निकाल के पीना, लेकिन आपको ऐसे करना जी। देखो ये हो गया जो पूरा ऐसा। इसको करूंगी मैं अभी कैसे फ्राई और क्या डालूंगी किचन में चल के बताती हूँ। इन दोनों को करूंगी रेडी, उसके इसके इसके बाद इसके बीज निकाल दूंगी और इसको और घस के कर लूंगी, नहीं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे, ठीक है जी। चलो जी चलते हैं किचन में। मेरी तेल डाल के सरसों के तेल में बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी देखते हैं। चलो जी चलो, हो गई है कढ़ाई गरम। लोखन की, लोहे की कढ़ाई में बनाना है, प्लेन कढ़ाई में नहीं बनाना, इसमें ही अच्छा बनेगा। इसमें डालूंगी मैं सरसों का तेल, 2-3 चम्मच सरसों का तेल। देखो जी छोटी वाली चम्मच होती है, ये वाले 3 चम्मच डाल दिए। गैस मेरा ऑन हुआ नहीं शायद, इसको ऑन करते हैं वापस। लाइटर हो चुका है खराब जी, अभी हो गया जी। चलो जी ये गर्म होगा, तब तक हम लोग सीख लेते हैं इसमें डालना क्या क्या जी। करेले को हमने देखो कद्दूकस, मैंने आपको बताया कि अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, करेले को धो के लेना जी। देखो जी मैं आपको सामने बताती हूँ, करेले को हमने धो के ले लेना है, कद्दूकस कर लेना। और एक देखो जी, एक लंबा लंबा प्याज कट करके लेना है और लंबे लंबे जैसे फ्रेंच बीन खाते ना ऐसे आलू कट कर लेने हैं, और 2-3 साथ में हरी मिर्चें वो भी लंबी लंबी कट करके लेनी है। तेल गर्म होगा, इसको हम तेल में डालेंगे कैसे, और हल्के स्लो गैस पे इसको बनाएंगे। इसमें डालनी है 2 मिर्चें भी, तेल गर्म होने दीजिए।
मैं पहले मिर्चे लूंगी। देखो ये एक्टर एक्टर शूट के लिए रेडी होता है और सामान ही पूरा नहीं देता जी। देखो जी तेल गरम हो रहा है, थोड़ा सा कभी कभी कढ़ाई में गीलापन होता है बाय चांस, तो पट 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 करता, उसको ध्यान नहीं देना। इसको हरी मिर्च को काटेंगे। देखो जी हरी मिर्च को आपको ऐसे लंबा काट लेना जी, इसको ऐसे, तो मजा आएगा इसका। ये बहुत बहुत टेस्टी बनती है जी करेले की सब्जी, और कुछ भी मसाले नहीं डालने जी, एकदम सिंपल। ऐसे बस दो फाके कर लेनी जी मिर्ची की। अभी जी तेल हो चुका है गरम, इसके लिए हमको चाहिए सिर्फ ओनली नमक और मिर्च जी, की चीजें ढूंढनी पड़ती है। देखो जी अमचूर डालेंगे, अमचूर और नमक, दैट्स इट, कुछ भी नहीं डालेंगे। कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया डालना तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, ऑप्शन है, ऑप्शनल है। देखो जी तेल हो गया गरम। चलो जी घूम जाओ कैमरा, कढ़ाई पे आ जाओ, लवली किचन का चेहरा हटा दो और कढ़ाई दिखा दो। अरे सायरन क्या बज रहा है, पों 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 पों। तेल को खूब गर्म करना अच्छे से जी, और जब तेज गर्म हो जाए थोड़ी देर के लिए रुकना है। ये मैं आपको टिप्स बताती हूँ, क्योंकि कभी कभी तेल एकदम गर्म होता है तो सब्जी डालते हैं ना छींटे मुंह पे आते हैं। 5 सेकंड के लिए इसको वेट कीजिए, और इसको सिंपल क्यों है सब्जी इसलिए बता रही हूँ कि सब कुछ हमको एक साथ डाल देना जी। देखो जी प्याज डाल देने, प्याज को खाली 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, ऐसे साथ में डाल दें क्योंकि प्याज का कच्चापन जाना चाहिए। इसके लिए 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब डाल देंगे इसमें नमक, प्याज के साथ ही हम डाल देंगे नमक, सिर्फ छोटी वाली आधा चम्मच नमक। हल्का सा प्याज का कलर अब होगा, अब डालेंगे हम इसमें अपने आलू और साथ में मिर्चे भी, ग्रीन चिल्ली भी। इसको आप बोल सकते हैं करेले की भुजिया। जो लोग करेले कड़वे लगते हैं मोटे काटने में, जिनको नहीं अच्छे लगते उनको बहुत मजा आने वाला है। पांच मिनट के लिए इसको हल्का सा ढकेंगे ताकि आलू थोड़े से नरम हो जाए, बस 2 मिनट के लिए, 2 या 5 मिनट लगा लीजिए बस। इसको ढकना है, पास में ही खड़े रहना। अब मैं निकालती हूँ अमचूर। करेले बहुत तरह के बनते हैं जी, मैं तो गोल गोल फ्राई करके खाती हूँ आलू के साथ। देखिए ये मेरी सिस्टर रीना राय की रेसिपी है, जो कि मेरी बेंगलोर में रहती है, उसने मुझे बहुत बार खिलाई है और बहुत बार बोला दीदी ये बनाओ वीडियो में, सबको बहुत अच्छा लगेगा। चलो जी ओपन करते हैं। बस अच्छा सा अच्छा हल्का सा आलू और प्याज का कलर चेंज होना है। अभी डाल देनी अपनी ये करेला पर जो हमने कद्दूकस किया, इसमें एक भी बीज नहीं आएगा क्योंकि हमने बीज नहीं लिया, क्योंकि कभी कभी बीज आते तो खाने को मन नहीं करता। अब वापिस इसको 5 मिनट के लिए ढकेंगे ताकि ये भुर्जी आलू 5 मिनट में नरम हो जाएंगे। उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर, ठीक है जी। 5 मिनट वेट करते हैं ताकि सब्जी गल जाए। 5 मिनट ढक के हो गए, अभी इसको ओपन करेंगे। देखो जी आलू अपने इतनी देर में आलू गल चुके हैं। अभी हम गैस करेंगे तेज, क्योंकि गैस कब तेज करना है कब स्लो करना है इससे ही सब्जी अच्छी बनती है।
क्योंकि हम ये भुजिया बना रहे हैं, मुर्जी बना रहे हैं जी करेले की। देखो जी प्याज का, हरी मिर्चों का कलर देखो, ऐसा सुंदर कलर बन जाएगा करेले का भी और आलू का भी और प्याज का भी। और इसको जब आप दाल चावल के साथ, दाल चावल के साथ खाएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। इसीलिए मैं पूरी सब्जी आपके सामने बनाती हूँ बिल्कुल फोन को बंद किए बगैर, ताकि आपको एक एक ट्रिक समझ आए। आलू पतले क्यों काटते हैं, ताकि जल्दी से गल जाए, क्योंकि अभी आलू पूरे गल चुके हैं। अभी इसको गैस तेज रखूंगी, तब तक करती हूँ आपसे बातें। आ जाओ जी, आ जाओ। और आप लोग क्या बनाते हो, करेले कैसे बनाते हो, मुझे वो भी बताना जी, क्योंकि हर वीडियो में मैं आजकल क्यों बताती हूँ आपको, एक बात बताती हूँ। देखो जी ये पसीना, ऐसे पसीना, ये नेचुरल पसीना जो हमारी बॉडी से निकलता है ना जी, ये हमारी सेहत को अच्छा करता है। किचन में काम करने को बिल्कुल नहीं घबराना पसीने से बिल्कुल। अगर जैसे मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ, बट किचन में काम कर लेती हूँ, पीठ पे पसीना, बदन पे पसीना, ऐसे लगता है वर्कआउट हो गया जी। तो खाना बनाना भी एक वर्कआउट है जी। ये मेरी फेवरेट सब्जी है, आपको बता दूं क्या भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। गैस मैंने फुल किया हुआ जी, तेज एकदम। देखो लवली किचन की करेले की सब्जी, फेवरेट वाली। अभी आप समझे गैस तेज क्यों करना है, गैस तेज करने का मतलब यह है कि सब चीजें ये हल्की हल्की ब्राउन हो जाए, इनका कलर आ जाए। अब हम नमक डाल चुके हैं, अब हम डालेंगे इसमें अमचूर। देखो जी आलू का कलर भी ऐसा चेंज हो गया, अभी डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर। है कि नहीं सिंपल रेसिपी, अमचूर क्यों डालना है कि इससे कड़वापन सब्जी का, करेले का चला जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। जी मेरे करेले रेडी, झटपट फटाफट लवली किचन के करेले की रेसिपी आप सीखिए बनाइए। देखो जी ऐसे आलू का कलर आना चाहिए, तब आपको बंद करना गैस। रेडी हो गई सब्जी। अब हम पांच, देखो जी बिना पानी के, कोई गरम मसाला नहीं, कोई सूखा धनिया नहीं, कुछ भी नहीं डालना, हल्दी भी नहीं डालनी। देखो जी अभी 5 मिनट के लिए और ढकेंगे और हमारी सब्जी रेडी। बनाइए, खाइए, खुश रहिए, मजे कीजिए। और आपको लवली किचन की सिंपल वाली और प्यारी प्यारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करके बताया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए किया कीजिए, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा, और कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा। अब मैं आपको प्लेट करके भी दिखा दूँ। देखो जी आपके सामने करती हूँ मैं प्लेट। ओहो बल्ले बल्ले हो गई है, सवा सवा हो गई है, ग्रीन ग्रीन सब्जी। देखो जी आप आलू खाओ, लेकिन ऐसे करेले के साथ खाओगे ना तो आपको आलू नुकसान भी नहीं करेंगे जी। देखो जी ये जो घर की चीजें होती है ना, सुपर होती है, मस्त होती है। दाल चावल के साथ खाओगे, साथ में अचार लोगे, कुछ भी लोगे, आपको बहुत मजा आएगा। और सादे पराठे के साथ खाओगे तो सुपर लगेगा। मैं 101% श्योरिटी देती हूँ इस सब्जी की। आप बनाओ, खाओ, सुबह घी वाला पराठा खाओ और ये सब्जी साथ में लो, मजा आएगा। और ट्रेन में सफर में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, भले 2 दिन तक रखिए, ये सब्जी खराब नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब डाल देती हूँ कढ़ाई में वापिस, क्योंकि अभी मुझे खाना नहीं है, अभी खाने को टाइम है। बहुत बहुत गर्मी लगी, बड़ा बड़ा पसीना हो गया, अब जा रही हूँ ठंडी हवा में बैठने के लिए। टाटा बाय बाय, पा 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 बाय, खुश रहिए, खुश रहिए।